जी हाँ, बजरंग दल की जानिब से जो है वो आज जम्मू में एक धरना प्रदर्शन किया गया, और ये सिर्फ कश्मीर में टारगेट किलिंग की उस कल एक कायराना हरकत जो है वो कश्मीर में हुई, मजदूरों पे जो है वो जिस तरह से गोलियां चलाई गई उसी पे जो है आज बजरंग दल जो है वो आज धरना कर रही है। और आज इन्होंने जो है वो एक यहाँ पे पुतला भी जलाया, जिस तरह से पाकिस्तान का पुतला, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नाराबाजी की कि किस तरह से जो है पाकिस्तान कश्मीर में जो है वो कायराना हरकत जो है वो हर एक नए दिन जो है वो कर रहा है, और आज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर दी। और ये साफ साफ इनका कहना है कि इनको जो है वो जो ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं इनको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो मौत के घाट उतारा जाएगा, यानी कि उनको जो है मौत के घाट उतारा जाए और उसके बाद जो है उनको 72 हुरों के पास जो है वो भेजा जाएगा। बजरंग दल की जानिब से जो है वो प्रदर्शन जो है कंटिन्यू जो है वो चल रहा है, और इनका ये साफ साफ कहना है कि जिस तरह से कश्मीर में जो है वो टारगेट किलिंग मजदूरों पर की जा रही है वो एक कायराना हरकत है। जीत चुकी है, वो कब्र के अंदर दफन हो चुकी है जो कभी वापस नहीं आएगी। जैसे कि हिंदू समाज में कहा जाता है कि गंगा बहाई हड्डियां कभी वापस नहीं आती, इसी प्रकार से 370 गंगा में बहा दी गई है, वो वापस आने वाली नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए किसी को हम रोक नहीं सकते, जो देख रहे सपने देखने दो। बाहर वालों ने यहाँ पे जमीने ले ली, नौकरी ली, क्या उसका नतीजा है कि देखिए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ये केवल लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। क्या जवाब है दूसरा? देखिए कश्मीर के नेता जो है उन देशद्रोहियों की जो हिमाकत करते हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे जो 13 जुलाई 1931 में मारे गए थे, उनकी हिमाकत करने वाले लोग हैं, वो देशद्रोही थे। जो देशद्रोहियों का समर्थन करेगा वो भी देशद्रोही है। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है, क्योंकि सोपैया के अंदर पाकिस्तान के इशारे पर टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है। इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है, भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर इस समय प्राप्त है। उसकी भोलेनाथ की कृपा से यह तीनों मजदूर जो है वो बच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टारगेट किलिंग के तहत के साथ ये यात्रा को बाधित करने की कोशिश जो है वो करने की कोशिश ही जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार हो चाहे यूटी सरकार हो, उससे अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढकर 72 हुरों के पास भेजने का काम किया जाए, और पाकिस्तान को उसकी इस हिमाकत के लिए छठी का दूरी याद दिलाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे।